So today's recipe is aloo beans ki sabji, for which I have taken 3 potatoes, beans, 1 pyaaj, 1 tomato, 2 hari mirch aur lehsun. Ab hum jar mein pyaaj, tomato, hari mirch aur lehsun ka paste bana lenge acha sa. Aur ye aapko alag karne ki zarurat nahi hai aur isse aapka bahut time bhi bachega. अब हम एक पैन में कढ़ाई में ऑयल हीट करेंगे, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे और फिर हमारा पेस्ट डाल देंगे. पेस्ट थोड़ा दूर से डालना क्योंकि इसके छींटे लगने के चांसेस होते हैं. इसको हम कवर करके 5 मिनट्स कुक करेंगे. 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाला, जो भी हमारे बेसिक मसालास होते हैं. 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर और जो लाल मिर्ची है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो. और ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है मलाई. मेरी ऑलमोस्ट जो रेसिपीज होंगी उसमें ये मलाई ज़रूर मिलेगी. इसको मिक्स करके अच्छे से बस ढक के फिर से 5 मिनट के लिए पकने देना है. 5 मिनट बाद हमारा ऑयल जो है वो इससे ग्रेवी से अलग होने लगता है. तो अब मैंने इसमें इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाना है. अब हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें. अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो पानी मत ऐड करना, इसको ऐसे ही में आप चेक कर सकते हो. 10 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है, बीच बीच में आप चेक कर सकते हो कि आलू जो है वो कच्चे रह गए हैं या पक गए हैं. बस इसको ढक के पकाना है. बस अब ये मैं